मैं जय मसीह कहता हूँ, परमेश्वर हमें एक ऐसा मौका दिया है, उसके चलते हम सबको यहाँ बैठ करके परमेश्वर को वचन को लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं। हम जब से इस शटडाउन लॉकडाउन हुआ है हिंदुस्तान में, तब से हम सबको यहाँ पर मिल करके प्रार्थना करते हैं और लगातार हम यहाँ पर परमेश्वर के लिए बाट जोगते हैं और परमेश्वर का गीत गाते हैं, महिमा करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं। और हम बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्व भर में लोग इस कोरोना बीमारी के कारण परेशान हैं, बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत लोग अपने प्रियजनों को इस बीमारी के कारण खो चुके हैं, उनकी शांति उनके घर के लोगों को खो जाने के चलते, यानी कि मर जाने के चलते वे लोग सदमा में, दुख में, चिंता में, व्याकुलता में जो पाए जाते हैं, उन सबकी शांति के लिए भी हम लोग लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो मैं आज भी उसी विलाप गीत के पुस्तक में से ही आपको मैं परमेश्वर के वचन को सुनाना चाहता हूँ। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। लगातार हम विलाप गीत के पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय हम अध्ययन करते आए। आज हम चौथा अध्याय को ही हम अध्ययन करेंगे। चौथा अध्याय का हम जो लास्ट में मैं जहां पर रुका था वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। 16 वचन के ओर हम आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। 4 अध्याय उसके 16 पर यहोवा ने अपने कोप से उन्हें तितर बितर किया, उन्हें अर्थात अपने लोगों को तितर बितर किया है। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, यहोवा परमेश्वर ने अपने कोप से, अपने प्रकोप से, अपने गुस्सा से अपने ही लोगों को तितर बितर किया है। अपने ही घर में अर्थात भवन में, अर्थात परमेश्वर की जो निजी प्रजा है, अर्थात जो परमेश्वर के कहलाए जाते थे, उन सबके लिए जिनको परमेश्वर ये मेरा निज बाग करके परमेश्वर ने अपने लोगों के बारे में कहा था, उन सबों को परमेश्वर ने तितर बितर किया है। मैं जरूर कल कुछ बातों को बतलाया था और इस किताब को जब आप पढ़ते हैं उस समय जरूर आप यिर्मयाह पुस्तक को जोड़ करके पढ़ेंगे, तब आपको दोनों बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये विलाप गीत है। जो बातें इसराइली लोगों के लिए परमेश्वर की निज प्रजा करके जिनको कहलाया जाता है उनके लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा कहा था, उन बातों को लोगों ने हट किया, उन बातों को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उन बातों को लोगों ने माना नहीं, उन बातों को लोगों ने अनुकरण नहीं किया, उन बातों को लोगों ने अपने दिल में नहीं रखा, लोग हल्का में ले लिए थे। उसके चलते यिर्मयाह बीतने वाले दिनों के घटनाओं के बारे में सोच सोच के वो रोता है। यिर्मयाह पहला अध्याय से 52 अध्याय तक लगातार परमेश्वर की बातों को इसराइली लोगों के लिए वो सुनाते जाता। परमेश्वर जो यिर्मयाह को सुनाता है कि मेरे लोगों को सुनाओ, उन बातों को यिर्मयाह इसराइली लोगों को सुनाते जाता है, परंतु लोग सुनते थे, मानते नहीं थे और उसके अनुसार वे आज्ञा मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके चलते अब विपत्ति उनके ऊपर, जो विलाप का दिन आने वाला है उसके बारे में वो सोच सोच करके विलाप गीत गाता है। उसी के बारे में हम इस विलाप गीत में पढ़ते हैं। तो मैं इस जगह में आपको एक बात को बतलाना चाहता हूँ, आखिर क्यों परमेश्वर इतना गुस्सा में आके, इतना क्रोध में आके, इतना कोप में आके परमेश्वर ने अपने ही लोगों को तितर बितर किया है। अगर कोई घर का गार्जियन, घर में 5 जन 10 जन अगर रहते हैं तो उन सभी लोगों को मार करके घर से अगर बाहर भगा दे और उस घर को तोड़ फोड़ कर दे और उस घर में, उस घर को रहने लायक बना दे, इसके बाद वहां उस घर में कोई भी आके रह नहीं सकता, कोई भी टिक नहीं सकता, कोई भी वहां पर सो नहीं सकता, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इतना अगर उस घर का गार्जियन किसी अपना घर को कर दे, घर के लोगों को मार के घर से बाहर निकाल दे, भगा दे, तो वो जैसा होगा उसी तरह परमेश्वर यहाँ कार्य करता है। और उस कार्य के बारे में पहले इनको सूचना दिया गया था लेकिन इन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपको एक दो बात को बतलाना चाहता हूँ यहाँ पर इस अध्याय में परमेश्वर कहाँ से कार्रवाई करता है, तो उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम 11 पद को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं।
और किस प्रकार वो कार्रवाई करता है। आज यहाँ इस इन सभी बातों को अध्ययन करने का एक ही एक मकसद है, आज विश्व भर के सभी प्रभु यीशु मसीह का भवन, गिरजाघर, मंदिर या चर्च कहा जाए, सब कुछ सब के सब बंद है। एक भी चर्च खुला नहीं है, एक भी चर्च में प्रार्थना नहीं हो रही, एक भी चर्च में 10 आदमी नहीं जुड़ सकते, एक भी चर्च में आराधना नहीं होती है, एक भी चर्च के अंदर कोई नहीं जा सक रहे। मेरे प्यारों, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्या इस बात से केवल हम ही लोगों को दुख लगता है? क्या परमेश्वर को दुख नहीं लगता है? तो इस बात के लिए वो क्यों अनुमति दे दिया? इस बात को सोचना पड़ेगा, हमें सोचने के लिए ये समय को परमेश्वर ने दिया। आज हिंदुस्तान केवल लॉकडाउन नहीं है, पूरा विश्व लॉकडाउन है, हर जगह में बंद, सब कुछ बंद पड़ा है, हर जगह, हर देश के लोग, हर देश के देश को चलाने वाले लोग लोगों से विनती करते हैं कि बाहर मत निकलिए, और बाजार मत जाइए, और स्कूल मत जाइए, कॉलेज मत जाइए। हाथ जोड़ करके लोग नम्रता के साथ गिड़गिड़ा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी और देश को चलाने वाले लोग, कि बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए। तो इस प्रकार जो परमेश्वर का भवन बंद होने के चलते हम लोग, हम जो परमेश्वर के भवन में जाके आराधना करने वाले, चाहे सेवा करने वाले, हम लोगों का दिल इतना जो टूटता है, तो परमेश्वर का कितना दिल टूटता होगा? आखिर इस प्रकार की सख्त कार्रवाई उसको करने की क्या जरूरत पड़ी? तो इंसान ने परमेश्वर के विरोध में अपने पाप के द्वारा जो ललकारा है, जो परमेश्वर को रोष दिलाया है, उसके चलते इन सब बातें इन दिनों में विश्व भर में हो रही है। तो इस कारण वो किस प्रकार कार्रवाई करता है, उसी के बारे में हम इस अध्याय में से कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम उसमें पढ़ेंगे 11 पद के ऊपर, हम अपना आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहते हैं। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट किया, उसने अपना को, परमेश्वर ने अपना को बहुत ही भड़काया और सियोन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई है। भाई बहन, ये बात जब हम पढ़ते, मैं कई दिन से इस वचन को पढ़ते आ रहा, अचानक इस वचन को मैं नहीं बोल रहा हूँ, कई दिन से मैं भी यिर्मयाह की तरह इस प्रकार के वचनों को पढ़ करके अकेले रोता हूँ, अकेले प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ठीक से नींद नहीं लगती है, मन के अंदर कई प्रकार के विश्व के तमाम परमेश्वर के लोगों को लेकर के बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी बेचैनी है, बहुत सारी व्याकुलता है। इसके लिए आदमी परमेश्वर के सम्मुख में बिलख बिलख के रोता है। मैं जो यिर्मयाह का जो फीलिंग था उन दिनों में, उस फीलिंग को मैं अपने अंदर फील किया, इसलिए मैं इस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करने के लिए कहता हूँ। ये किसी एक चर्च का नहीं, किसी एक गांव का नहीं, किसी एक शहर का नहीं, किसी एक प्रांत का नहीं, किसी एक देश का नहीं, विश्व भर के परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं देने के कारण, परमेश्वर के प्यार को न समझने के कारण, परमेश्वर के वचन को न मानने के कारण, इसका मतलब ये नहीं है सबको परमेश्वर की बातों को हट कर दिया, सबको इनकार कर दिया, वैसा नहीं मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस धरती में पाप बढ़ गए, धरती में परमेश्वर के विरोध में लोग कदम उठाए, धरती में परमेश्वर की, आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक चर्च के एक शादी का एक तस्वीर को मैंने एक मैगजीन में, क्रिश्चियन मैगजीन में देखा, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा मेरी बात को सुनने से, कि मैंने उस तस्वीर का ऐसा देखा उस मैगजीन में, 2 लड़की को चर्च का प्रीस्ट, चर्च का जो सेवक है वो शादी करा रहे, इसका मतलब होमोसेक्सुअल है, और औरत के साथ जी सकती है, आदमी आदमी के साथ जी सकता है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश की, इस प्रकार की परमेश्वर की पवित्र धाम में, जो परमेश्वर की वचन के विरोध में जो पाप उन दिनों में लोगों ने किया है, उसी को सबके लिए अभी भुगतना पड़ रहा है, इसमें अच्छे बुरे दोनों पीछे जा रहे हैं। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की, उसने अपने कोप बहुत ही भड़काया और सियोन में ऐसा आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई। सियोन, यरूशलेम, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का लोग, लगभग सभी शब्दों का अर्थ एक ही है, सियोन परमेश्वर का भवन है, उस भवन में परमेश्वर आग लगाता है,
और उस आग कहाँ तक पहुंचता है, नींव तक पहुंचती है, नींव नींव को भी भस्म कर देती है। भाई बहन, इस सुबह के समय में इस बात को समझने के लिए परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोल नहीं पाए। आज इस प्रकार की बातें क्यों हो रही है? आज हर दरवाजा चर्च का, प्रार्थनालय का, आराधनालय का, परमेश्वर का भवन का, प्रभु यीशु का मंदिर का, हर एक विश्व भर के मंदिर का दरवाजा आज बंद पड़ी है। आज लोग बहुत तड़पते हैं कि हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं, हम जाएं करके लोग तड़पते हैं, लेकिन अभी जाने के लिए रोक लगाई हुई है। जब हमारे लिए परमेश्वर उत्तम समय दिया था, उस समय हम में से बहुत लोग चर्च भी नहीं जाया करते थे। हम में से बहुत लोग चर्च आराधना के दिन में सफर करना पसंद करते थे, ट्रेन पकड़ते थे, हवाई जहाज पकड़ते थे, और आराधना के लिए जो महत्व देना चाहिए था उस महत्व नहीं देते थे, और अपना काम अपना, उसी दिन लड़की देखने जाएंगे, उसी दिन लड़का देखने जाएंगे, उसी दिन लोग सफर करना पसंद करते थे। पूछने से हमारे घर में क्यों आप आराधना में नहीं आए, पूछने से लोग जवाब देते थे कि हमारे घर में मेहमान लोग आ गए। तो इस प्रकार की बातें परमेश्वर के दिल को बहुत चोट पहुंचाया। आज विश्व भर के अन्य जाति लोग जो पाप किए हैं, उस पाप को एक तरफ छोड़ दीजिए। अन्य जाति लोगों को पाप को मैं अगर बोलूंगा तो आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में एक मंदिर में ये आसिफा नामक एक छोटी लड़की के साथ लगभग 7 से ज्यादा लोग मिल करके उस बच्ची को बलात्कार किए, और उसके लिए खाना पीना नहीं दिए, और उसके लिए नशीली पदार्थ दे करके, वो नशे में रहती थी, उस बच्ची को उस मंदिर में रख करके लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया, और थाना के प्रभारी को भी बुला करके उस बच्ची के साथ उस बच्ची के साथ गलत काम करने के लिए मौका दिया गया। और उस बच्ची इसी प्रकार कई लोग मिल करके बलात्कार करके अंत में उस बच्ची मरी नहीं थी, उसके सर पर लोग पत्थर डाल करके मार डाला। इस प्रकार अन्य जातियों का पाप है। हम प्रभु के मानने वाले लोगों का जो पाप है हम परमेश्वर